सबसे पहले आपको यहाँ पे पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन से आना है। सो मैं ब्लू लाइन से आती हूँ, सो मेरे लिए पिंक लाइन नियरेस्ट पड़ता है। सो जब आप मार्केट के अंदर एंटर करते हो, सो मैं गेट नंबर 1 से एग्जिट एंट्री की थी, जिसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे इयरिंग्स की शॉप दिखती है लेफ्ट साइड पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी और एस्थेटिक इयरिंग्स सेल करते हैं। और आपको यहाँ पे खाने पीने का स्टफ दिख जाएगा। सो दीज आर द इयरिंग्स जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। सो ये सभी इयरिंग्स ना 20, 30 और 50 रुपीज़ के अंडर में थे। सो आप ये वाले इयरिंग्स बहुत अच्छे से चेकआउट कर सकते हो, किसी भी आउटफिट के साथ बहुत बढ़िया से मैच करते हैं और इनका फिक्स प्राइस है, तो नो बार्गेनिंग है। सो अभी मैं सारा आपको ज्वेलरी का स्टफ दिखा रही हूँ। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, हैंड कफ, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। जो ये वाले इयरिंग्स थे, ये सारे आपके झुमकास वगैरह, ये सब 50 रुपीज़ के अंडर में थे। कोई कोई 100 रुपीज़ का भी था जो थोड़ा सा हैवी था, सो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज मोस्टली 30-50 रुपीज़ के अंडर में आपको मिल जाएंगे। सो मैं ये वाला आपको दिखाना चाहती थी। ये एक आंटी, राजस्थानी आंटी, यहाँ पे एक स्टॉल लगाती है, जिनके पास आपको ये इयरिंग्स मिल जाएंगे। ये आपको 100 और 150 के अंडर में पर्टिकुलर पीस सेल करेंगी, लेकिन आपको अगर आप बार्गेन कर सकते हो तो कर सकते हो। मैं 50 रुपीज़ के लेकर आई थी, मतलब 100 रुपीज़ के मैं 2 पेयर यहाँ पे से लेकर आई थी। सो काफ़ी अच्छे एस्थेटिक इयरिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। जब आप आगे चलते हो तो इस तरह के हैंडकफ्स आपको मिल जाएंगे ज्वेलरी में। सो ये भी सारे के सारे 50 रुपीज़ के अंडर में थे। सो सभी का जो प्राइस भी था और क्वालिटी भी थी, बहुत मुझे बढ़िया लगी। सो ये आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बॉयज़ के लिए हुडीज़ का सेक्शन दिख जाएगा। सो इस तरह के ना काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे रहते हैं अगर आप गेट नंबर 1 से एंटर करते हो तो। सो ये सारी हुडीज़ जो थी वो 200 रुपीज़ के अंडर में थी, और इनकी क्वालिटी भी मुझे ठीक ठीक लगी। लाइक जैसे हम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह से मिलाते हैं ना, तो सेम क्वालिटी ही रहती है उनकी भी, तो ओवरऑल मुझे इनकी क्वालिटी सही लगी। फिर थोड़ा सा अगर आप चलते हो ना, तो इस तरह की शॉप्स मिल जाएंगी आपको जहाँ पे ये जैकेट्स हैं। इनका जब प्राइस है वो फिक्स रहता है, ये 500 रुपये से नीचे आपको देंगे ही नहीं, चाहे आप कितना भी बार्गेन कर लो। और नीचे वाला टपरी साइड पर लगा है वो 200-250 रुपये में आपको मिल जाएगा। फिर ये वाले कोट्स और ब्लेजर्स थे, ये सारा लड़कियों के लिए स्टफ था। ये स्वेटर भी मुझे काफी पसंद है। सो इनका प्राइस भी ना ये सीधा सीधा 500 रुपये बोलेंगे, लेकिन आप बार्गेन कर लेना, हो जाएगा। सो ये मेरे को स्टॉल पे ना एक ऐसे वाले गर्म वाले लोवर दिखे जो हम सर्दियों में पहनते हैं, लेकिन इनका मटेरियल मुझे थोड़ा थोड़ा ना ऐसा चुभने वाला लगा। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप ये थोड़ा अवॉइड करना, अदरवाइज इनकी क्वालिटी मुझे ठीक लगी। 200 रुपये में लाइक अच्छा स्टफ था, यू कैन बाय एंड यूज़ इन द विंटर्स। फिर साथ ही में 200 रुपीज़ का अलग से स्टॉल था जहाँ पे ये वेलवेट वाले स्वेटर्स मिल रहे थे। ये काफ़ी मुझे ट्रेंडी और नया सा कलेक्शन लगा था यहाँ पे, क्योंकि ये वाली चीज़ ना पिछले साल देखने के लिए नहीं मिली थी। सो ये वाला स्टफ मुझे काफ़ी ज़्यादा न्यू लगा और इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि काफ़ी सारे स्वेटर्स पे ना ये इनके धागे से, रेशे से निकले हुए थे। सो आपको छांटना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू परचेज। ओवरऑल द क्वालिटी इज़ अमेजिंग। साथ में मुझे यहाँ पे फिर से ये वाले लोवर मिले थे जो 150 रुपीज़ के थे, और साथ में इसके अंदर अंदर ना कुछ हाईनेक्स के भी थे सारे। सो ये वाले हाईनेक्स पे आप परचेज कर सकते हो, ताकि आपके जो डिफरेंट विंटर आउटफिट्स हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे से पेयर अप हो जाते हैं। सो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। यहाँ से मैंने एक ब्लैक कलर का इनर भी खरीदा था, तो उसका मटेरियल भी मुझे काफ़ी पसंद आया। सो डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर्स अवेलेबल थे, ऑप्शन बड़े बढ़िया थे, लाइट कलर्स भी थे, न्यूट्रल, पेसल्स वगैरह सभी तरह के कलर आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो परचेज दिस। ऑल्सो ये वाले ज़्यादातर अच्छी अच्छी क्वालिटी ना आपको स्टॉल्स पे ही मिलेगी। सो साथ ही साथ मैं जब एक्सप्लोर कर रही थी, तो साइड वाली शॉप पे मुझे ये वाले स्वेटर का कलेक्शन दिखा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी कलेक्शंस और इनरवेयर्स थे। तो ये व्हाइट वाला स्वेटर मुझे काफ़ी पसंद आया था, ये निट वाला स्वेटर था, लेकिन बस बात वही थी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रुए थे, तो उस हिसाब से मैंने परचेज नहीं किया। अदरवाइज यू कैन चेक आउट द कलेक्शन। ऑल्सो दिस इज़ द अनदर स्टॉल जहाँ पे बॉयज़ के लिए फिर से हुडीज वगैरह थी, स्वेटर्स थे। सो ये भी आप देख सकते हो, इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी, और सबका प्राइस ना 200 और 250 के अंदर में ही रहता है। लाइक इससे ऊपर आप जाओगे ही नहीं। अगर आप शॉप से परचेज करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको लाइक 500 फिर से नीचे नहीं जाने देंगे वो लोग। साथ में मुझे यहाँ पे ये वाला 100 रुपीज़ में गर्म पजामा वाला स्टॉल दिखा था, इनकी क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सो इसमें से मैंने एक डार्क ब्लू कलर का ख़रीदा है, सो ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। विंटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट परचेज़ है इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज। साथ ही में यहाँ पे आपको ना इस तरह के स्वेटर की शॉप दिख जाएगी, शॉप नंबर आई गेस 121 समथिंग है। सो यहाँ पे भी स्वेटर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी। ऑल्सो ये वाले जो शॉप था ना, मतलब उसी के सामने ये वाला स्टॉल है जहाँ पे आपको इस तरह की चेक वाली शर्ट दिख जाएंगी, और इनका मटेरियल ना गर्मियों वाला नहीं था, इनका मटेरियल विंटर्स वाला था, मोटा कपड़ा था और काफ़ी ज़्यादा वॉर्म थे, और 100 रुपीज़ के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। साथ में इस तरह के स्टॉल्स आपको, मतलब अब तो ग्रेफिटी लेन बंद हो चुकी है, तो इस तरह के आपको ठेले दिखेंगे जहाँ पे कोट्स ब्लेजर्स मिलेंगे।
सो इनका प्राइस भी ये लोग सीधा सीधा 500 मांगते हैं, बट यू कैन बार्गेन। ऑल्सो इस तरह की अभी मार्केट के अंदर इस तरह की ड्रेसेस, वुलन वाली ड्रेसेस अवेलेबल थी और विंटर जैकेट्स वगैरह थी। डेनिम जैकेट्स का काफ़ी कम कलेक्शन था, ज़्यादातर स्वेटर, श्रग्स, यही सारी चीज़ें थी। सो मुझे पर्सनली इसलिए मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया। सो अगर आप स्टॉल्स से लेना चाहते हो सो यू कैन डेफिनेटली परचेज, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि आपको चेक करके प्रोडक्ट लेना है, लेकिन विदाउट चेक मत लेना। मुझे ना एक्सप्लोर करते करते ना ये वाला स्टॉल दिखा जहाँ पे इस तरह के ट्राउजर्स अवेलेबल थे। इन सबका प्राइस भी 200 से 250 रुपीस के अंडर में था। सो यहाँ पे साइजेस भी अवेलेबल थे, काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स भी मुझे लगे, काफ़ी ट्रेंडी थे। सो ये वाले ट्राउजर्स मुझे चेक वाला और ब्लैक कलर का प्लेन ट्राउजर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सो इन केस यू वांट टू बाय यू कैन चेक इट आउट। ऑल्सो यहाँ पे ना इस तरह के बैग्स अवेलेबल थे जो कि 250, 200, 300 इस तरह के ऑप्शन में अवेलेबल थे। सो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी कलेक्शन था, मुझे पसंद आया। ये सारा मैं आपको भी बैग्स का ही दिखा रही हूँ। सो इस तरह का बैग का कलेक्शन है। अब अगर हम बात करें फुटवेयर की, तो फुटवेयर में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी कलेक्शंस थे। सो एज यू कैन चेक आउट, इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पे आपको 250 या 350 के अंडर में आपको काफ़ी प्यारी प्यारी हील्स मिल जाएंगी। और जो ये वाला स्टॉल था, ये आई गेस इंसेंस स्टोर जो है उसके साइड में था। सो यहाँ पे इस तरह का फुटवेयर अवेलेबल था जिसका प्राइस सिर्फ 200 रुपीज़ था। सो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी और एथनिक कलेक्शंस थे, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा फुटवेयर का भी मुझे कलेक्शन इनका पसंद आया। साथ ही में यहाँ पे ना इस तरह की स्लीपर्स थी, फजी वाली स्लीपर्स, बेलीज वगैरह थी। इन सब के प्राइस 200 to 250 रुपीज़ थे। और जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, इन सब के प्राइस 200 to 250 थे।